हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, टेक टू ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी शक्ति। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में जो है मेटा लैब कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी मेटा लैब का फुल वर्जन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन आपका वीडियो के नीचे आया उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप मेटा लैब कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक थ्रू आपको वो डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आपको एक फोल्डर मिलेगा मेटा लैब 2012। उसके बाद आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको एक सेटअप है, देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इससे पहले अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर क्रैक दिया गया है कैसे होगा, इसमें देखिए यहाँ पर इंस्टॉल दिया गया, इस पर क्लिक कर लीजिए। आपको एक यही ऑप्शन चुनना है स्टैंड अलोन का। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आप इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले सेटअप पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक इंस्टॉल यूजिंग इंटरनेट, दूसरा आएगा इंस्टॉल यूजिंग विदाउट इंटरनेट। तो हम विदाउट इंटरनेट वाले क्लिक करते हैं, इंस्टॉल विदाउट इंटरनेट यूजिंग, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हैव डन एक्सेप्ट, यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद पूछता है आई हैव इंस्टॉलेशन की लाइसेंस, यस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको लाइसेंस नंबर इंटर करना है, तो जो यहाँ इस फोल्डर में आपके फोल्डर में टेक्स्ट फाइल उसमें आपको आना है, उसको ओपन करना है। यहाँ पर देखिए ये सीरियल नंबर है, आपको यही कॉपी कर लीजिए सीरियल नंबर। ठीक, स्टैंडर्ड लोन है, याद रखिएगा विदाउट इंटरनेट। उसके बाद इसको जो है यहाँ पर ला कर पेस्ट कर दीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ठीक, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद ये टिपिकली भी रहने दीजिए, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद जो है आप ब्राउज करिए कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मेरा सी प्रोग्राम फाइल मेटा लैब में, यस। उसके बाद दोबारा आप नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट कर दीजिए, ये आपका इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक, जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद इस पर आप क्लिक करिए फिनिश। इस तरह आपका जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है देखिए, अब इसके बाद आपको इंस्टॉल मैनुअली हुए, अब आपको ये फाइल जो है इंटर करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव में, आपको वहाँ जाना है अपने लोकल डिस्क सी में। उसके बाद प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल के बाद आपको जाना है मेटा लैब, देखिए यार मेटा लैब, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे, इसके बाद आपको जाना है बिन में। जैसे आप बिन में क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए बिन है, बिन में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मेटा लैब है, मेटा लैब पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिए उसके बाद यस पे आपको क्लिक करना है। जब यस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है एक्टिवेट यूजिंग इंटरनेट रिकमेंडेड, ये कर रहा है। आपको करना है एक्टिवेट मैनुअली विदाउट इंटरनेट इस वाले पे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं इंटर एमलेशन, यस कर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ब्राउज करते हैं, ये ब्राउज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आप जो है फाइल एक्सट्रेट करके डाउनलोड करने के बाद रखे हैं, वहाँ पर जाना है। जहाँ से आप इंस्टॉल किए थे वहाँ पर आपको जाना था। जैसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ इस ड्राइव में, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो मेटा लैब था, यहाँ पर देखिए मेटा लैब जो है इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप क्रिक पे आइए, क्रिक के आने के बाद जो है देखिए ये है लाइसेंस स्टैंड अलोन,
इसी पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपका देखिए एक्टिवेशन कम्प्लीट हो गया। अगर आप इसके बाद ये आपके डेस्कटॉप पे नहीं होता तो इस मेटल ऐप पर यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक, अगर वीडियो संबंधी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जिसे आप मैं दिखाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे आ गया, तो इसे आप ओपन कैसे करेंगे? जिसे डेस्कटॉप पे आपका मेटा लाइव आ जाएगा, देखिए आ गया यहाँ पर, इसको आप क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका मेटा लाइव स्टार्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।